सिंगापुर एयरलाइंस कूट के सीईओ कैंपबेल विल्सन को मिली एयर इंडिया की कमांड। टाटा सन्स ने बनाया सीईओ और एमडी, रेगुलेटरी मंजूरी के बाद संभालेंगे पद। सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी आईपीओ की प्रक्रिया में दखल देने से किया इनकार। सुप्रीम अदालत ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं देने का फैसला किया है। कुछ पॉलिसी होल्डर्स ने आईपीओ के शेयर अलॉटमेंट पर रोक लगाने की याचिका की थी दायर। राजीव कुमार देश के अगले नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। 15 मई से संभालेंगे कार्यभार राजीव कुमार। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की लेंगे जगह। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है उस पर रिसर्च कीजिए, जाइए एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, पर पीआईएल मत कीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर वाराणसी सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला। अदालत कोर्ट कमिश्नर को हटाने से किया इनकार। बने रहेंगे मुख्य कमिश्नर अजय मिश्रा। कोर्ट ने दी सहायक कमिश्नर को किया दो सहायक कमिश्नर को किया नियुक्त। तो अदालत ने 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने का किया निर्देश। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाह में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। चार महीने में सभी अर्जियों का किया जाए निपटारा। सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरे पक्षकारों के सुनवाई में शामिल न होने पर एक तरफा आदेश जारी करने का भी दिया निर्देश। दिल्ली के रोहिणी और मदनपुर खादर में एनसीडी की कार्रवाई जारी। एनसीडी की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी। कहा 30 से 40 साल से रह रहे हैं लोगों को अचानक हटाया गया। लोगों ने पुलिस और एनसीडी पर पैसे लेने का लगाया है आरोप। एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे आप विधायक अमानतुल्ला खान को पुलिस ने लिया हिरासत में। अमानतुल्ला खान अपने समर्थकों के साथ मदनपुर खादर में एनसीडी की कार्रवाई का कर रहे थे विरोध। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अब्दुल पर हिंसा करने और भड़काने का आरोप। अब तक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 34 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में 3 नाबालिग भी शामिल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 2 गुटों में हिंसक झड़प। वीएचपी नेता समेत कई कार्यकर्ताओं को लगी चोट। हमले के विरोध में लगा जाम। घायल लोगों को अस्पताल किया गया रेफर। हनुमानगढ़ में झड़प के बाद बंद की गई इंटरनेट सेवा। हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सिंगापुर एयरलाइंस कूट के सीईओ कैंपबेल विल्सन को मिली एयर इंडिया की कमांड। टाटा सन्स ने बनाया सीईओ और एमडी, रेगुलेटरी मंजूरी के बाद संभालेंगे पद। सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी आईपीओ की प्रक्रिया में दखल देने से किया इनकार। सुप्रीम अदालत ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं देने का फैसला किया है। कुछ पॉलिसी होल्डर्स ने आईपीओ के शेयर अलॉटमेंट पर रोक लगाने की याचिका की थी दायर। राजीव कुमार देश के अगले नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। 15 मई से संभालेंगे कार्यभार राजीव कुमार। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की लेंगे जगह। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है उस पर रिसर्च कीजिए, जाइए एमए कीजिए, पीएचडी कीजिए, पर पीआईएल मत कीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर वाराणसी सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला। अदालत कोर्ट कमिश्नर को हटाने से किया इनकार। बने रहेंगे मुख्य कमिश्नर अजय मिश्रा। कोर्ट ने दी सहायक कमिश्नर को किया दो सहायक कमिश्नर को किया नियुक्त। तो अदालत ने 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने का किया निर्देश।
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, चार महीने में सभी अर्जियों का किया जाए निपटारा। सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरे पक्षकारों के सुनवाई में शामिल न होने पर एक तरफा आदेश जारी करने का भी दिया निर्देश। दिल्ली के रोहिणी और मदनपुर खादर में एनसीडी की कार्रवाई जारी। एनसीडी की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी, कहा 30 से 40 साल से रह रहे हैं लोगों को अचानक हटाया गया, लोगों ने पुलिस और एनसीडी पर पैसे लेने का लगाया है आरोप। एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे आप विधायक अमानतुल्ला खान को पुलिस ने लिया हिरासत में। अमानतुल्ला खान अपने समर्थकों के साथ मदनपुर खादर में एमसीडी की कार्रवाई का कर रहे थे विरोध। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अब्दुल पर हिंसा करने और भड़काने का आरोप। अब तक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 34 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में 3 नाबालिग भी शामिल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 2 गुटों में हिंसक झड़प। वीएचपी नेता समेत कई कार्यकर्ताओं को लगी चोट। हमले के विरोध में लगा जाम, घायल लोगों को अस्पताल किया गया रेफर। हनुमानगढ़ में झड़प के बाद बंद की गई इंटरनेट सेवा। हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को किया गिरफ्तार।